नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चाओं में रहने वाले डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने आज कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उन पर डासना मंदिर प्रकरण में केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और हत्या की धमकी दी जा रही है। वहीं उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है। उन्होंने इसे इस्लाम का जिहाद करार दिया और कहा कि मुसलमानी जिहादियों ने जितनी उनके सिर की कीमत लगाई है उतनी किसी की नहीं लगी। नरसिंहानंद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ इसलिए ये केस खुले क्योंकि वो ऐसे जिहादियों से अकेले लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम के जिहादी मरने के लिए तैयार रहते हैं। तभी विपुल नाम का व्यक्ति जो पहले हिंदू था बाद में एक औरत के चक्कर में मुस्लिम बनकर मुझे मारने आया था, जबकि उसे पता था कि वो मुझे मार भी देगा तो बच नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था तब 7 मुस्लिम देश थे, आज 57 हैं। ऐसे में जल्द इस्लाम के जिहाद की सच्चाई नहीं समझी गई तो देश को सीरिया अफगानिस्तान इराक बनने में देर नहीं लगेगी। मेरे दोस्त कमलेश तिवारी की हत्या के बाद मैंने इस्लाम की सच्चाई लाने का प्रण किया। मुस्लिमों ने अपनी जनसंख्या खूब बढ़ाई है और 2029 में देश का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम होगा। कॉमर्स सिविल कोर्ट छोड़िए, देश तेजी से सरिया की ओर जा रहा है और कुरान में लिखा है कि दुनिया एक भी काफिर जब तक रहेगा जिहाद जारी रहेगा। मैं बीजेपी को नहीं लेकिन व्यक्तिगत रूप से योगी जी को समर्थन दूंगा। यूपी में मेरा कत्ल हो गया होता अगर योगी जी ने कई मुस्लिम माफियाओं को ठिकाने ना लगा दिया होता। 100 करोड़ हिंदुओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि मुझे मुसलमानों से बचाए। देखिए, मुझे रामजी तिवारी जी ने यहाँ बुलाया है। मैं हिंदू समाज से केवल एक अनुरोध करता हुआ घूम रहा हूँ कि हिंदू समाज अपने बच्चों के भविष्य को नेताओं के ऊपर ना छोड़े, अपने परिवारों को मजबूत करे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि अपनी भी रक्षा कर सकें, धर्म की भी रक्षा कर सकें, परिवार की भी रक्षा कर सकें। केवल मेरा यही एक संदेश है, इस्लाम का जिहाद सबको खा जाएगा अगर हिंदू मजबूत नहीं बना। केवल यही कहता हुआ मैं घूम रहा हूं और कोई मेरा काम नहीं है। सर, आगे ये जो आपकी एक यात्रा कह सकते हैं, कहां तक पहुंचने वाले? पूरे देश में घूम रहा हूं, भारत के कोने कोने में जा रहा हूं और हर जगह लोगों से केवल एक ही बात कह रहा हूं कि इस्लाम का जिहाद सबको खाने वाला है। नेताओं ने बहुत दयनीय समर्पण इस्लाम के जिहाद के सामने कर दिया है। अब अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए हर परिवार तैयार हो, अपने बच्चों को बचाए, अपने परिवार को बचाए, वरना सब खत्म होगा। आपकी जो विचार आ रहा है योगी को सपोर्ट कर रही है और बीजेपी से अलग जा रही, क्या वजह है? देखिए मैं बीजेपी नहीं जानता। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुस्लिम माफियाओं से लड़ रहे हैं। अगर योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो मुस्लिम माफियाओं ने पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया होता। मैं केवल योगी जी के इस गुण के लिए कि योगी जी इस्लाम के जिहादियों से लड़ सकते हैं उनके साथ हूं। मैं ना तो विकास में विश्वास रखता। जिस दिन मुसलमानों का इस देश पर कब्जा हो जाएगा ना, यहां कोई विकास नहीं बचेगा। यहां सीरिया बनने वाला है, यह अफगानिस्तान बनने वाला है। यहां केवल औरतों की मंडियां लगेंगी, यहां नौजवानों की सड़ी हुई लाश पड़ी रहेंगी, तोप से सारी बिल्डिंगें वो उड़ा देंगे। यहां कुछ बचने वाला नहीं है भाई। तो मुझे ना विकास से मतलब है ना विश्वास से मतलब है। मैं हिंदू हूं, हिंदुओं का विश्वास जीत, हिंदुओं को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। यह कहना चाहता हूं नौजवानों से, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके वहां बैठने से मुझे फायदा है, मैं चाहता हूं वो मुख्यमंत्री बना रहे और ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री हो। सर, मोहन भागवत का भी जो पिछला बयान है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मोहन भागवत के बयान पर मैं लगातार बोल रहा हूं। मोहन भागवत जी के बयान पर जो बोलेगी अब सावरकर की आत्मा बोलेगी, डॉक्टर एडगवार की आत्मा बोलेगी, रज्जू भैया की आत्मा बोलेगी, अशोक सिंघल जी की आत्मा बोलेगी। ये बयान नहीं दिया मोहन भागवत ने। मोहन भागवत केवल मेरे कारण गाजियाबाद में आके ये उल्टी करके गया है। मैं इसे मोहन भागवत का बयान नहीं मानता। जब आदमी अपनी मानसिक पागलपन की उन्माद की अवस्था में आ जाता है तो वो इस तरह की बात करता है। मैं मोहन भागवत के इस बयान को बिल्कुल टोटली कंडम करता हूं और ये आपको बताना चाहता हूं कि ये किसी स्वस्थ मानसिक हिंदूवादी का या राष्ट्रवादी का बयान नहीं हो सकता। सर, अब जो अगला जो चुनाव आ रहा है 2022 में, किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे? हम सारी दुनिया से जितने हमारे मानने वाले हम उनसे कहेंगे कि योगी जी नहीं हटने चाहिए, मुख्यमंत्री रहने चाहिए। भाई इतना है हमारा, और क्या कर सकते हैं हम साधु आदमी। हम कोई आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? कोई और योगी आदित्यनाथ बीजेपी का ही चेहरा है, बीजेपी ये कल देश की राजनीति किधर जाएगी ये कोई नहीं जानता। आज बीजेपी का चेहरा जरूरी थोड़ी कि कल भी रहे।
और कल हो सकता कल ये बीजेपी बदल जाए, अगर नौजवानों ने अपना नौजवानों के खून में अगर ये समझ में आ गई नौजवानों को कि भाई तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो हो सकता है नौजवान खड़े हो जाए। माँ और महादेव कब हिंदुओं की तकदीर बदलने से कोई जानता थोड़ी है। जरूरी थोड़ी है कि सब लोग गुलामी होना चाहते हो, जरूरी थोड़ी है कि सब लोग अपनी बहन बेटियों की मंडी लगवाना चाहते हो, जरूरी थोड़ी है कि सब लोग अपने बेटों का कत्ल ही करवाना चाहते हो सकता है कोई आजाद आजाद हिंदू खड़ा हो जाए और वो इन सब हिंदुओं को बदल दे।